डिपार्टमेंट फार्मेसी। ये डिपार्टमेंट बेसिकली पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करता है। जो भी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड की जाती है, बताई जाती है स्पेशलिस्ट फिजिशियन या डॉक्टर्स के थ्रू, वो मेडिसिन फार्मेसी के थ्रू यानी फार्मेसी डिपार्टमेंट पेशेंट को देता है। बेसिकली हम इसे मेडिकल स्टोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है इन पेशेंट को, और सिर्फ उन्हीं इन पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है जिन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन पेशेंट को ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू, जिसमें इन पेशेंट जो है वो फिजिकली या फिर मेंटली इम्पेयर्ड होता है। हो सकता है कि जो फिजिकल या मेंटली इम्पेयर्ड है इन पेशेंट को, वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो उसे ठीक करते हैं स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू। सो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है वो जनरली रिलेट करता है या फिर वर्क करता है पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड वर्क को, जैसे विजिट्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए। और ये जो डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करता है बुकलेट्स या पोस्टर्स अलग अलग हेल्थ एस्पेक्ट्स का, सो दैट वो उन पोस्टर्स के थ्रू पीपल्स को एजुकेट किया जा सके। और जो भी हॉस्पिटल में एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या मीडिया कवरेज होना चाहिए, उन सब से रिलेटेड वर्क करता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस, और जिन पेशेंट को सोशल साइकोलॉजिकल या फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है उनकी हेल्प करता है ये डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ को, और साथ ही साथ जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करने, यानी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करने में या फिर किसी हेल्थ सेंटर तक पहुँचाने में पेशेंट को ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है एक्सरे डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है एडवांस एक्सरे इक्विपमेंट्स, यानी एक्सरे इक्विपमेंट्स के थ्रू जो भी डिजीजेज हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनके, यानी डिजीजेज के डायग्नोसिस करने के लिए, तो उसके लिए ये एक्सरे डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे सीटी स्कैन हो गया, डिजिटल एक्सरे, इंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करके ये मेडिकल स्टाफ को हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस करने के लिए। अब ये कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, फार्मेसिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, मेडिकल सोशल वर्कर। ये कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आता है सपोर्टिंग स्टाफ। कुछ सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, कुक हेल्पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वॉशरमैन, अटेंडेंट, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड। ये हमारे सपोर्टिंग स्टाफ्स हो गए। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।